यहाँ हमने स्टार्ट किया है जीरो से, ठीक है, तो इसीलिए आपका यहाँ पे आ रहा है 114, बट एक्चुअल में दिस इज योर 115th मंथ। रूम 3 में बैठ जाओ, रूम 3 इज एम्प्टी, दिस इज दैट इज वाई योर 115th मंथ, नॉट 114, क्योंकि वी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो नॉट फ्रॉम वन। इज दिस क्लियर? बट मैंने तो कहीं लिखा ही नहीं ना, मैंने तो कहीं 114 यूज ही नहीं करा, मैंने तो योर यूज डेट एंड मंथ यूज किया, मैंने यहाँ पे भी डेट एंड मंथ यूज किया, तो मेरा आंसर करेक्ट है आइडियली, क्योंकि मैंने कोई मंथ यूज ही नहीं करा। Have they mentioned in the question the month number? They've just asked the discounted nearest month पूछा इन्होंने, है ना? तो मैंने July 28 बोल दिया, खत्म कहानी। क्यों 1 to 1 से ले रहे हैं ना भाई, यहाँ पे ये फर्स्ट मंथ है, ये सेकंड मंथ है, थर्ड मंथ है, तो क्या हुआ? तुम्हारा जुलाई में ही वो चेंज हो जा रहा है, तुमको जुलाई लिखना है, वो वाले मंथ में हो रहा है तुम्हारा पेमेंट स्टार्ट हो रहा है, मतलब स्टार्ट ऑफ जुलाई में पेमेंट हो रहा है, तो जुलाई के स्टार्ट में ही तुम पॉजिटिव चले जा रहे हो, इसीलिए इन्होंने नियरेस्ट बोला है ना, तो आई थिंक यू कैन राइट जुलाई एंड यू कैन राइट 115, बट हाँ 114 वुड बी रॉन्ग, राइटिंग 114 वुड बी रॉन्ग बिकॉज दैट इज नॉट 114th मंथ, दैट इज 115th मंथ, ठीक है? एनीवेज आई जस्ट रोट द मंथ सो इट्स फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लो, आ जाओ, दिस इज अ बिगर वन, इट्स अ 48 मार्क्स का क्वेश्चन, ऑलमोस्ट मतलब 50% ऑफ द पेपर, तो लेट्स सी कि इसको आप कितने जल्दी फिनिश कर पाते हो। अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, क्यों इतना बात कर रहे हो, क्यों क्यों इतना बात कर रहे हो मेरे को बताओ, आई विल चेंज इट, वेट। हाँ अच्छा पूछो, मेरे से हैंड रेस करके मेरे से डिस्कस करो, सबके साथ डिस्कस करो, सेल्फिश मत बनो, अकेले में मत करो डिस्कस। अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इश्यूज 25 योर वेरिएबल प्रीमियम यूनिट लिंक्ड एंडोमेंट अश्योरेंस टू अ लाइफ एज्ड 45 एग्जैक्ट। आई विल गिव यू ऑल ब्रेक, लंच ब्रेक, टेंशन मत लो, ठीक है, इतनी बुरी नहीं हूँ। अंडर दिस पॉलिसी द प्रीमियम इंक्रीज बाय फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट फॉर द फर्स्ट 5, तो क्या हो रहा है, सबसे पहले तो 25 ईयर का वेरिएबल प्रीमियम मतलब प्रीमियम माई चेंज, यूनिट लिंक्ड एंडाउमेंट है अश्योरेंस प्रोडक्ट, 45 का एज है उसका, प्रीमियम इंक्रीज बाय फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ द पॉलिसी एंड देन रिमेन कॉन्स्टेंट देयर आफ्टर, द प्रीमियम्स विच आर पेबल एनुअली इन एडवांस थ्रू आउट द टर्म ऑफ द पॉलिसी और अंटिल द अर्लियर डेथ एंड द एलोकेशन रेट्स आर एज फॉलोज। तो प्रीमियम्स आपका एनुअली पे हो रहा है एडवांस में, ये पॉलिसी ईयर्स है, ये कितना प्रीमियम पे हो रहा है एंड ये कितना एलोकेशन रेट है, सो प्रीमियम्स आर चेंजिंग, दैट इज वाई द नेम। इफ द पॉलिसी होल्डर डाइज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी द डेथ बेनिफिट इज 1 लाख और द बिड वैल्यू ऑफ द यूनिट्स व्हिच एवर इज हायर, यही होता है, ठीक है, एंड इज पेबल एट द एंड ऑफ द पॉलिसी ईयर ऑफ डेथ। द पॉलिसी होल्डर मे सरेंडर ओनली एट द एंड ऑफ ईच पॉलिसी ईयर, तो बीच में सरेंडर वो नहीं कर सकता, ठीक है। नाउ इसका जो सिग्निफिकेंस है, कोई इसका सिग्निफिकेंस बता सकते हैं मेरे को, जो इसका मेरे को सिग्निफिकेंस बता दिया ना, क्लियर एग्जाम आपका, आप समझ चुके हो पूरा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे आंसर में, दिस इज यूज्ड वेयर इन कैलकुलेशन, कैलकुलेटिंग व्हाट बेसिकली द प्रोबेबिलिटीज, यस, आप क्या क्या निकालते हो, आप डिपेंडेंट रेट्स निकालते हो, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज निकालते हो, तो जब क्या होता है समझना, ठीक है, ये आई थिंक आप लोग का भी एक डाउट रहता है, पूरे साल अगर एक इंसान पे बहुत सारे डेक्रीमेंट्स काम कर रहे हैं, डेथ, सरेंडर, एक्सीडेंट, वट एवर इज एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, तो इन दैट केस आप डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज निकालते हो, क्योंकि एक टाइम पे आपके ऊपर 10 डेक्रीमेंट काम कर रहे हैं। बट जब मैं बोल रही हूँ कि ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर ओनली पर्सन कैन सरेंडर, मीनिंग पूरे साल डेथ कैन टेक प्लेस, नथिंग एल्स, तो क्यू एक्स
death, QXD. End of the year, person can either send or die, whatever. So, अगर आपको surrender probability निकालना है, of the person surrendering at the end of the year will be 1 minus QX, कि पूरा साल वो जिंदा रहा, into QXS, which is कि end of the year वो surrender किया. तो इस केस में, now students will ask, ma'am, अपने QXD के लिए AQXD क्यों नहीं निकाला? नहीं जरूरत है. क्योंकि पूरे साल तो एक ही डेक्रीमेंट काम करे डेथ का. सरेंडर काम करे खाली एंड ऑफ द मंथ. तो उसको कैसे निकाला? 1 माइनस QXD इनटू QXS. क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर? ठीक है. आई थिंक इधर और कोई है भी नहीं. लेट्स सी. तो ये हमारा एंड ऑफ द ईयर का ही मीनिंग. ऑन सर्वाइवल टू द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म bid value of the मतलब endowment है तो obviously उसको मिलेगा. The units are subject to bid offer spread दिया हुआ है 6% का, AMC दिया हुआ है 1% का, is deducted at the end of the year. Management charges are deducted from the unit fund before death surrender. Maturity benefits are paid. The assumptions used is given in the spreadsheet. So I'll just close this and I'll open this. सारे देखो लाइन से अपने को assumptions दिए हुए हैं. एक बार क्विक रीड कर लेते हैं. 1 मिनट लगेगा. ग्रोथ रेट्स ऑफ यूनिट फंड दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट और नॉन यूनिट फंड दिया हुआ है, मोर्टैलिटी दिया हुआ है, सरेंडर के रेट्स दिए हुए हैं हमें. लास्ट ईयर जाके कोई बेवकूफ ही होगा जो पॉलिसी सरेंडर करेगा. 20 कितने ईयर्स का है? 25. 24 एंड 25 के बीच में अगर कोई सरेंडर करे तो वो बेवकूफ है. क्यों कर रहा है? बीच में तो कर नहीं सकता. एंड ऑफ द ईयर तो 25 पे कोई सरेंडर थोड़ी करेगा. मैच्योर हो गया पॉलिसी. इनिशियल एक्सपेंस है, रिन्यूअल है, कमीशंस है, क्लेम एक्सपेंस ऑन ऑल क्लेम टाइप्स का मतलब डेथ में भी होगा, सरेंडर में भी क्लेम एक्सपेंस देना होगा एंड आरडीआर दिया है. द यूनिट फंड कैश सो डिटरमाइन फॉर ईच पॉलिसी द डिपेंडेंट रेट ऑफ मोर्टैलिटी एंड सरेंडर फॉर एजेस 45 to 70. करो इसको. डिपेंडेंट रेट ऑफ मोर्टैलिटी फटाफट एकदम 5 मार्क्स के 2 मिनट्स में निकालना है. इधर आ जाओ शीट में. देखो मोर्टैलिटी भी दिया हुआ है. क्विकली यू ऑल विल हाइड द रेस्ट ऑफ द शीट्स व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. तो आप इसको 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 हाइड कर देंगे हम लोग इसको. ठीक है फटाफट इसको हाइड करो. एंड देन फर्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका. क्या करेंगे बोलो? एज दिया हुआ है, एलएक्स दिया हुआ है. सो यूजिंग दिस व्हाट आई विल कॉपी पेस्ट द शीट ओनली ऑल टीएम. ये आ गया मेरा. QX निकाल लेंगे. QX कैसे निकलता है? हाँ PX का है भाई. इसमें अपने कैसे निकालेंगे QX? जाएगा PX ये तो होगा Q 45. कितने लोग मर गए? 45 और 46. या तो आप कर सकते थे 9801 माइनस 9786 डिवाइडेड बाय 9801. ठीक है वैसे भी कर सकते. Drag this, you get the values of QX. अब सुन लो एक बार. QX निकल गया. QXD निकालना है. QXS, अच्छा ये दिया हुआ है देख लो. ये rates दिए हुए हैं और mortality दिया हुआ है 85% of the base table. तो जो QX निकला उसका 85% ले लोगे आपका QXD. QXS कैसे निकालेंगे? 1 minus QX. नहीं QXS तो ये है ही. ये QXS है, ये independent है. तो 7.5 पहला पॉलिसी के लिए,
ऐसे करके आप वो लिख लोगे पूरा कॉलम में, और फिर ए क्यू एक्स एस निकालोगे, विच इज 1 माइनस QXD इंटू QXS। निकालो, चलो करो, डेक्रीमेंट टेबल बनाओ। फिर से चेंज हो गए।
फिर वन प्लस थ्री इंटू रिपीट करो क्या हुआ, क्या क्या हो गया? हाँ क्या निकाला तुम लोग उसके बाद? क्यू एक्स डेट बोलो, मतलब इसको ब्रैकेट में भी तुम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके या कुछ भी, विच इज दिस इनटू फिर सरेंडर भी लिख दो वॉट एवर क्या होगा, कितना दिया हुआ पहला वाला साल का, इसमें जाके सिलेक्ट करो ठीक है ऐसे, ये कांस्टेंट रहेगा अपना ठीक है, वेरी गुड फुल मार्क्स, लास्ट वाला जीरो रहेगा, देखी थी ना सॉल्यूशन से, नहीं वेरी गुड, एक सेकंड, इन्होंने वन किया ना लास्ट में, क्योंकि ये गलत होगा ना, ये वन नहीं, ये अपने लास्ट पूरा हटा देंगे, ये पूरा हट जाएगा लास्ट का, क्योंकि वन नहीं हो सकता कभी भी तुम्हारा क्यू एक्स ठीक है, पूरा हटेगा क्योंकि तुम एट दी एट 70 तो हम लोग को चाहिए ही नहीं ना, हम लोग को क्यू 70 से मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय क्यू 70, डाइंग बिटवीन 70 एंड 71 दैट वी डोंट नीड, 70 पे खत्म हो रहा हमारा एनीवे, चलो गुड पॉइंट आउट, नेक्स्ट ए क्यू क्यू, हाँ ये भी तो जीरो का इन्होंने लिया, हाँ जीरो का ये वाला जीरो का ठीक है, वेरी गुड, ये वाला जीरो कर देना सब लोग 69 से 70 का, एंड हट इसको मैंने हाईलाइट कर दिया बिकॉज़ दिस इज जीरो, नहीं चलेगा, नेक्स्ट नहीं चलेगा, पहले ये निकालना होगा अलग से, फिर ए क्यू, ए क्यू तुम लोग सुन नहीं रहे हो, तुम लोग अपने मन से सब कुछ कर रहे हैं ठीक है, एक बार देख लो प्लीज, एक बार देख लो, दिस विल बी नथिंग बट दिस ओनली, तो ये सेम है, आप इसको बस इक्वल टू करके ऐसे कर दो क्योंकि ये सेम है आपका ठीक है, सेम निकालेंगे फॉर सरेंडर विच इज व्हाट, हाँ वन माइनस, या तो आप ये फॉर्मूला अगर अप्रोच यूज कर रहे हो ठीक है, तो इट्स बेटर दैट यू डोंट यूज ए क्यू एक्स डी, यू यूज क्यू एक्स डी वन माइनस वाला अप्रोच, बिकॉज ये तो डिपेंडेंट, ऑल्दो इट्स सेम बट निकाला तो डिपेंडेंट है ना, तो अगर डिपेंडेंट से डिपेंडेंट आप नहीं निकाल सकते, वो गलत अप्रोच होता है, आप डिपेंड आप वन माइनस ए क्यू एक्स डी नहीं कर सकते, आंसर सेम आएगा बट इट्स अ रॉन्ग अप्रोच, आप डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी से डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी नहीं निकालते, आप रेट से निकाल सकते हो बट ये गलत अप्रोच है, सो दिस मल्टीप्लाइड बाय क्या करना होगा,
एक क्यू क्यू एक्स एस ये हो गया, इसको ड्रैग करो, डन। अब अपने नेक्स्ट निकालेंगे एपी एक्स, एपी एक्स क्या होगा क्विकली, एपी एक्स वन माइनस दोनों का ये आ गया आपका एपी एक्स, देन आपका और कुछ चाहिए? और क्यूमुलेटिव चाहिए तो क्यूमुलेटिव निकाल सकते हो, इन्होंने निकाला है तो आप निकाल सकते हो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, वो चाहिए होता है ना प्रॉफिटेबल में क्यूमुलेटिव, तो आप क्यूमुलेटिव इफ यू वांट यू कैन टेक इट आउट, इफ नॉट आपको बाद में यूज आएगा तो आप बाद में यहाँ के एडिट कर देना। बेसिकली पहले साल को अपने वन ही लेते थे 45 पे जिंदा रहने का, नेक्स्ट ईयर इज दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। आप लोग देख नहीं रहे हो, आप लोग करने लग जा रहे हो, देखो ताकि डाउट नहीं है, जस्ट मैच योर आंसर्स, जस्ट मैच योर आंसर्स, लास्ट में कुछ नहीं होगा, ठीक है? देख लो एक बार, कोई डाउट है तो पूछ लो, देन वी मूव टू द सेकंड पार्ट। सेम है जो वहां से ही है, लिंक करो। टेन मिस कॉल्स क्या हो गया लोगों को?
हुआ कि नहीं, लास्ट कॉलम तुम मत बनाओ, चलेगा। चलो नेक्स्ट बोलो, डन। तुम उससे क्यों पूछ रहा है, तुम जब हम बोलते तुम सुनता क्यों नहीं है? पूछो। Are you all getting the answer? Please quickly write a yes. We'll have to move to the next part. Chalo next. AQ? Yes. देखो तो सर क्यों नहीं मैच हो रहा है? हुआ नेक्स्ट पार्ट देखो इसका। द यूनिट फंड कैश फ्लो फॉर दिस पॉलिसी इज गिवन इन टैब टू ऑफ द स्प्रेडशीट, कैलकुलेट द प्रॉफिट मार्जिन। तो इन्होंने यूनिट फंड कैश फ्लोज निकाल के दिया हुआ है, सो आई विल जस्ट अनहाइड दैट शीट। मतलब इन्होंने आई गेस ये यहां तक दिया हुआ होगा, ठीक है? यूनिट फंड कैश फ्लोज बोला है ना इन्होंने, तो यहां तक दिया हुआ है। इसके बाद हमें पूरा कैलकुलेशन खुद से करना है। सो डू वन थिंग, ये जो इसके बाद है ना पूरा, इसको डिलीट कर दो। नहीं, ऊपर का हेडिंग्स भी आई डोंट थिंक दे विल गिव अस, ठीक है? वैल्यू ऑफ यूनिट फंड कैश फ्लोज इन्होंने दिया हुआ है ये वाला यहां तक। अब इसके बाद हमें क्या निकालने बोला है, हमें निकालने बोला है बोलो प्रॉफिट मार्जिन। तो कैसे निकालेंगे बताओ? ठीक है चलो ब्रेक ले लेते हैं। इस ये जो क्वेश्चन है ना, एक बात सुन लो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें AWP का क्वेश्चन है। नाउ ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का आई डोंट थिंक और भी एक्सेल में आया है। सो AWP का कॉन्सेप्ट जो आपने थ्योरी में पढ़ा है, AWP UWP पढ़ा होगा ना, एंड तो वो आप लोग विथ प्रॉफिट, यूनिटाइज्ड विथ प्रॉफिट, तो वो आप लोग को यहाँ पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। दिस इज अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। आराम से वील डू दिस। लेट्स टेक अ ब्रेक, 1:20, लेट्स टेक अ 20 मिनट्स ब्रेक। 1:40 पे सब लोग आ जाना। वील स्टार्ट द क्लास एट एग्जैक्ट 1:40, 1:45 के बीच में वील स्टार्ट, एंड इसको क्वेश्चन को खत्म करेंगे, ठीक है? श्योर। सो यूनिट फंड कैश फ्लो फॉर दिस पॉलिसी इज गिवन। तो हम लोग को ये यहाँ पे यूनिट फंड वैल्यूज गिवन है, यूनिट कैश फ्लोस, एंड नाउ दे आस्किंग अस टू कैलकुलेट द प्रॉफिट मार्जिन। तो यूनिट फंड के बाद नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड इज द नॉन यूनिट फंड कैश फ्लोस। तो चलो वो बना लेते हैं। ये है, वील स्टार्ट विथ पॉलिसी और पॉलिसी और से स्टार्ट करो। ट्वेंटी फाइव इयर्स का है, मैं स्क्रीन शेयर्ड है ना,
हाँ ठीक है, आफ्टर दिस क्या निकालते हैं कैश फ्लोज में? नॉन यूनिट फंड कैश फ्लोज यहाँ लिख सकते हो तुम, जैसे इन्होंने लिख रखा है ना, नॉन यूनिट फंड कैश फ्लोज। ठीक है, इफ यू वांट, इन्होंने जैसे लिखा है आप ऐसे लिख सकते हो, नो इश्यूज। पर पॉलिसी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, बोलो पहले क्या होगा? प्रीमियम माइनस कॉस्ट ऑफ, ठीक है, जिसको हम लोग एक्चुअली अनएलोकेटेड प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इवन योर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू। वेन यू स्टार्ट वर्किंग या फिर आप प्लेसमेंट्स में जाते हो तो दे आस्क यू दिस क्वेश्चन, प्रॉफिट टेबल बताओ, एक एक एलिमेंट समझाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे निकालेंगे? प्रीमियम माइनस ये वाला है ना, ये एलोकेशन परसेंट है, देख लो एक बार, ये बेसिकली क्या है, दिस इनटू दिस है ना। तो या तो आप दिस इंटू 1 माइनस 45% भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो 1 माइनस 45% या 1 दिस माइनस दिस, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, आ गया, नेक्स्ट करें। नेगेटिव आ रहा है एक्चुअली, क्योंकि ओवर एलोकेशन किया हमने, मोर देन 100% का एलोकेशन है। नेक्स्ट, इसके बाद एक्सपेंसेस के पहले विड ऑफ स्प्रेड कौन लेगा? बिड ऑफ स्प्रेड कौन कंसिडर करेगा? तो ले लो, होता क्या ये बताना एक बार। प्रीमियम माइनस कॉस्ट ऑफ एलोकेशन जो अपना चला गया, कॉस्ट ऑफ एलोकेशन में तो आपका बिड ऑफ स्प्रेड आता है ना, हमने बिड ऑफ स्प्रेड उसमें लिया नहीं, तो आप अलग से लोगे है ना, तो दैट इज व्हाट योर माइनस ऑफ दिस। इधर पे जो है ये फॉर द यूनिट फंड इट्स अ आउटगो, फॉर द नॉन यूनिट फंड इट्स एन इनकम, तो माइनस ऑफ दैट जो भी वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे इफ यू सी दे हैव टेकन माइनस अलग से। कैन यू सी प्लीज, एक बार देख देख के करो, आई विल गिव यू ऑल टाइम, बहुत टाइम है हमारे पास, 1 आवर है पूरा ये क्वेश्चन खत्म करने के लिए, तो देख देख के करो, और आप लोग स्लो कर दोगे प्रोसेस अगर आप लोग सुनोगे नहीं तो। ये माइनस ऑलरेडी दे हैव टेकन इट ओवर हियर फॉर द नेगेटिव कैश फ्लो, सो अगेन यहाँ पे माइनस लेंगे और ये आ जाएगा। अब दिस माइनस दिस, इसके ऊपर कमीशन देना है हमें या फिर एक्सपेंस देना है, अंडरस्टूड? बोलो, तो पहले लेट्स टेक कमीशन ले लो, चलो एक ही बात है, यू कैन टेक कमीशन और एक्सपेंस वॉट एवर। कमीशन देर इज एन इनिशियल कमीशन एंड देर इज अ रिन्यूअल कमीशन, यू कुड हैव टेकन इट इन वन ऑल्सो, नो इश्यूज, आप 1 में भी एक ही में मतलब कमीशन का कॉलम बना के, लेट्स डू दैट ओनली ना, लेट्स मेक ओनली 1 कॉलम, सो कमीशन का एक ही कॉलम बनाएंगे। कमीशन कितने परसेंट का है पहला वाला? ऑफ व्हाट? ट्वेंटी 25% ऑफ दिस 1500। हाँ बोलो, उसके बाद नेक्स्ट वाला, ये आप इसको हाईलाइट कर दो, एंड सॉरी इसको आप हाईलाइट कर दो, सिंस दिस इज कमीशन। क्या है कमीशन? मिलता है कि देना पड़ता है? शुड बी यूज अ नेगेटिव साइन यहाँ पे, देना पड़ता है ना कमीशन आपको। आप किसको देते हो एज अ कंपनी? आप किसको कमीशन दोगे? जिसने आपकी पॉलिसी को बेचा है, ब्रोकर, उसको आप कमीशन दोगे? फाइनल में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं नहीं ले रही हूँ इसीलिए यहाँ पर, मैं माइनस साइड नहीं ले रही। फिर अगेन दिस मल्टीप्लाइड बाय
जो आपका रिन्यूअल है उसको अपने एब्सोल्यूट करने का जरूरत नहीं, देव ऑलरेडी मेड इट एब्सोल्यूट एंड यू ड्रैग सेशन चल रहा है, सेशन चल रहा है, ठीक है। कोई डाउट है? हाँ, क्लियर, डन, नेक्स्ट करें। कमीशन के बाद वील टेक एक्सपेंस। एक्सपेंस कैसे बोला इन्होंने? इनिशियल एक्सपेंस, एनुअल ड्रैग, एक्सपेंस के बाद है क्या लेते हैं बोलो? इंटरेस्ट। क्या हुआ तुम लोग को? तुम लोग मतलब तुम लोग को आता नहीं है क्या? क्यों नहीं आता है? प्रीमियम माइनस बिट ऑफ अ स्प्रेड, वेरी गुड। माइनस बिट ऑफ अ स्प्रेड होगा कि प्लस होगा? प्लस बिट ऑफ अ स्प्रेड होता है, वेरी गुड। क्यों होता है प्लस? यहाँ माइनस हो रहा है ना, तो इधर प्लस होगा बिट ऑफ अ स्प्रेड। फिर माइनस ऑफ कमीशन एंड माइनस ऑफ एक्सपेंस इनटू नॉन यूनिट फंड ग्रोथ कितना है? टू पॉइंट फाइव। देख लो, आफ्टर दिस एएमसी नहीं लेंगे, ठीक है? तो मैनेजमेंट चार्जेस ले लो। क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ जो भी है इधर, ठीक है? आफ्टर दिस एक्स्ट्रा डेट कॉस्ट, कर लो यहां तक। आई वेट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। किसका किसका नहीं हुआ रेज योर हैंड क्विकली, एकदम टाइम नहीं वेस्ट करना है, तो तुम लोगों को 3:30 तक बैठना होगा। बोलो, इनिशियल कमीशन का रेट है इनटू ये वाला प्रीमियम, सेकंड वाला रिन्यूअल कमीशन रेट। एक्स्ट्रा डेट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? व्हाट इज एक्स्ट्रा फॉर अस? जो भी बिड वैल्यू, मैक्सिमम ऑफ बिड वैल्यू और 1 लाख। अगर बिड वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है तो हम लोग का कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। अगर 1 लाख से बिड वैल्यू कम है तो हम लोग का एक्स्ट्रा कॉस्ट है।
तो हम लोग कैसे लेंगे, मैक्सिमम ऑफ जो भी आपका वैल्यू ऑफ द फंड आ रहा है, हाँ जो भी आप लोग का वैल्यू ऑफ द फंड आ रहा है, दिस माइनस नहीं 1 लाख माइनस दिस 1 लाख या जो भी है, तो 1 लाख कहाँ है, क्वेश्चन इसमें है, इसमें है। अच्छा तो यहाँ पे हम लोग को लेना होगा। इधर ले लो, इधर मिनिमम अमाउंट पूरा पूरा लिखना चाहिए, मिनिमम अमाउंट इस कितना, 1 लाख है, 10 लाख है। एक इनपुट ले रहे हैं तो उसको हाईलाइट कर देंगे। सो भी हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। मैक्सिम पहली बात तो ये मैंने एक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, तो प्रोबेबिलिटी भी मत मल्टीप्लाई करो। पहला तो ये, तब कर सकते हैं। और डायरेक्टली तुम क्या, हाँ वो तो ठीक है, बट और क्या बोल रही हो तुम, क्यों मार्क्स के बिना कैसे होगा। पर जहां पे तुम्हारा यूनिट वैल्यू 1 लाख के ऊपर चला गया तो नेगेटिव आएगा, एक ही है बट हो सकता है उससे ज्यादा है, तो और भी रोज, तब तो नहीं कर सकते ना। तो यूज वन अप्रोच, डोंट कॉम्प्लिकेट योर सेल्फ, ठीक है, एक अप्रोच हमेशा फॉलो करना है। क्लियर है सबको, ठीक है। इसमें आप एक करो ना, डायरेक्टली तो करते अपने एक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा डेट कॉस्ट ईईडीसी निकालते हो ना तुम लोग, तो एक ही बार में कर दो एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेड, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो। आई डोंट थिंक वी शुड मेक अ न्यू कॉलम। क्या होगा, कौन सा प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ कौन सा डेथ प्रोबेबिलिटी, इस पे जाके व्हील सिलेक्ट दिस, कहाँ गया, इस पे जाके व्हील सिलेक्ट दिस AQXD। यू कैन सिलेक्ट दिस आल्सो, बट सिंस आपने निकाला है AQXD लिखा है अलग से, तो उसको सिलेक्ट करो, इट लुक्स बेटर। बस अब इसको ड्रैग करेंगे अपने, ठीक है। तो मैन्युअली मेरे को जीरो भी नहीं करना पड़ा नीचे जाके, एक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा डेट कॉस्ट के बाद सरेंडर, सरेंडर होने पे क्या हो रहा है, सरेंडर होने पे क्या हो रहा है, देखो सरेंडर होने पे क्या, आप एक बार सुन लो बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोल रहा है हाँ, सो द पॉलिसी होल्डर मे सरेंडर ओनली एट द एंड ऑफ द पॉलिसी ऑन सर्वाइवल टू द एंड और ऑन सरेंडर द बिड वैल्यू ऑफ द यूनिट्स इज, तो अगर वो सरेंडर करेगा तो उसको हम लोग खाली जो हमारा बिड वैल्यू होगा वो पे करेंगे, देयर विल बी नो सरेंडर कॉस्ट और सरेंडर बेनिफिट, ठीक है, देयर इज नो सरेंडर कॉस्ट नो सरेंडर बेनिफिट, वो छोड़ो। नेक्स्ट इज क्लेम कॉस्ट, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्लेम कॉस्ट निकाल लो। क्लेम कैसे निकालेंगे, क्लेम कॉस्ट कितना है, क्लेम कॉस्ट 50, बस एक्सपेक्टेड क्लेम कॉस्ट क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं इट इज 1 माइनस एपीएक्स। 1 माइनस एपीएक्स का क्या मतलब है, नहीं मरा नहीं सरेंडर किया, तो 1 माइनस एपीएक्स, एपीएक्स इज नहीं मरा नहीं सरेंडर किया, तो 1 माइनस एपीएक्स क्या हो गया, या तो सरेंडर किया तो मर गया, इन दोनों केसेस में हमारा क्लेम कॉस्ट लगेगा, तो आप एक्सपेक्टेड क्लेम कॉस्ट लिख सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो, प्रोटी प्रॉफिट वेक्टर,
प्रॉफिट वेक्टर में कैसे निकालेंगे? प्लस बिड ऑफर स्प्रेड माइनस ठीक है, एक बार लास्ट का खाली चेक करूंगी जाके, ये वाला आप इसको जीरो कर सकते हो ठीक है, बट लास्ट वाला क्लेम एक्सपेंस क्या होगा कोई बता सकते हैं मेरे को? वेरी गुड, क्यों? वेरी गुड, तो ये वाला खाली आपको चेंज करना है इसको 50 करने, एक बार देख लो क्यों इसको 50 करते हैं, क्योंकि या तो सरेंडर तो हो गए, या तो मरेगा या जिंदा रहेगा, दोनों में से कुछ तो होगा ही, एंड इन बोथ द केसेस ऑन मैच्योरिटी एंड ऑन डेथ वी विल गिव देम 50, तो ये बस आप इक्वल टू इसको आपको 50 करना है ठीक है, तो मेक श्योर यू जस्ट चेंज द लास्ट वैल्यू। मैच योर आंसर स्टिल हियर? लास्ट वाला मैच नहीं हो रहा है, क्या की बोलो? लास्ट वाला 50 कर देना पक्का से। डन, नेक्स्ट करें, पीछे सबका हुआ, हमारा हुआ, कैसे हो गया तुम्हारा? ये वाला एक्सपेक्टेड क्लेम कॉस्ट को 50 ठीक है, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी इन फोर्स, मतलब वो प्रोबेबिलिटी वाला जो कॉलम होता है, बट वो ऑलरेडी आई थिंक हम लोग बना चुके हैं, सो नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन स्ट्रेट अवे टेक। कैसे? मल्टीप्लाइड बाय ये वाला वैल्यू, अगर वो कॉलम बनाना है बना सकते हो, नहीं भी ऐसे भी कर सकते हो, नहीं बनाया तो उधर से ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, इट्स ऑल ऑन यू। प्रॉफिट सिग्नेचर के बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर, आरडीआर टू द पावर माइनस फिर हो गया, इसका टोटल कर लो, प्रीमियम निकाल लो, प्रीमियम सिग्नेचर या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रीमियम भी बोल सकते हो, एपीवी ऑफ प्रीमियम,
ईपीवी ऑफ प्रीमियम कैसे निकालेंगे बताना। प्रीमियम अमाउंट जो भी दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर। कहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोग का? अच्छा हाँ, फर्स्ट ईयर वन रखते हैं, तो फर्स्ट ईयर पे अपने ये रखेंगे मल्टीप्लाई बाय किससे होना है, एक प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं रहेगा, सो वील जस्ट मल्टीप्लाई इट विथ वन। नेक्स्ट ईयर से प्रीमियम इनटू वी के लिए अपने ये वाला अमाउंट ले लें, ऊपर वाला दिस वन, ठीक है। बस इसको ट्रैक करो। आ गया, बस अब इसका टोटल करना है। प्रॉफिट मार्जिन बोलो, प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालेंगे? ठीक है, 100 कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ क्या कीजिए? इसका थर्ड पार्टी थोड़ा ट्रिकी है।
questions that have been framed. आंसर मैच हो रहे है, एक बार यस लिख दो सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. नहीं आया क्या तुम्हारा? क्या सुन ही नहीं रहा मेरे को क्या बोल रहा है? प्लीज क्विकली, इतना स्लो स्लो नहीं कर सकते हम लोग को, फास्ट होना पड़ेगा. मैं आ रही हूँ. बोलो बोलो बोलो, हो गया? नेक्स्ट रीड कर. क्या हुआ? हुआ हमारा पीछे क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन हुआ, आदित्य हुआ. हुआ हमारा? चलो नेक्स्ट. क्योंकि नेक्स्ट वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आई वांट ऑल ऑफ यू कि सब लोग साथ में सुने. इसे खाना खा के नींद आता है ना, बट क्या कर सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा. द कंपनी इज कंसिडरिंग मेकिंग एन, हो गया? The company is considering making an accumulating with profit AWP version available as an investment option to new policy holder. All premiums are paid into an account rather than being allocated to units. So basically, हम लोग क्या कर रहे थे कि इसने मेरे को प्रीमियम दिया, हम उसको क्या करें, यूनिट्स में कन्वर्ट करें. इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू यूनिट्स, हम इन सबको एक अकाउंट में डाल रहे हैं एंड अकाउंट ग्रो करेगा एट अ बोनस इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर्ड एनुअली बाय द कंपनी. तो इंस्टेड मे बी हो सकता है कि पहले हम कहीं स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में डालते हो तो आपका यूनिट कन्वर्ट होता है, तो आपके यूनिट्स इतना इकट्ठा होता है, वॉट एवर बी द थिंग. बट अब हम बोल रहे हैं कि हम सबके प्रीमियम को एक अकाउंट में डालेंगे एंड ये अकाउंट एक इंटरेस्ट अर्न करेगा. टर्मिनल बोनस इज एडेड to the account to give the total benefit payable on maturity or on earlier death. तो एक होता है जो पूरे साल हमें बोनस मिल रहा है, एक है year के एंड पे कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हुआ, कंपनी ने एक टर्मिनल बोनस अनाउंस कर दिया. द बेनिफिट ऑन सरेंडर इज द वैल्यू ऑफ द AWP अकाउंट. तो जो भी आपका सरेंडर पे हम लोग क्या देंगे, बेसिकली जो भी आपके AWP अकाउंट का वैल्यू है वो सरेंडर पे मिलेगा. टर्मिनल बोनस इज एडेड टू द अकाउंट टू गिव द टोटल बेनिफिट पेबल ऑन द मेच्योरिटी. तो टर्मिनल बोनस डेथ पे या मेच्योरिटी पे मिलेगा, नो टर्मिनल बोनस इज एडेड ऑन सरेंडर. ठीक है. द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू पे अ एनुअल बोनस ऑफ 2%. ऑल द अदर प्रॉफिट टेस्टिंग अजम्पशंस विल रिमेन अनचेंज्ड एंड यू कैन इग्नोर द रिजर्व्स. सब लाइंस उन लोग ऑन कर रहे हो, उससे ही ऑन आ रहे हैं. ठंडा लगने से यौन आ रहा है. रजाई ले आओ, पिलो ले आओ, सो जाना. चलो तो कैलकुलेट द परसेंट. सब लोग पानी पियो,
पानी पियो। इतना तुम लोग ना बहुत अजीब सा एकदम, सब लोग को नींद आ रहे, पता नहीं क्यों हम लोग ऐसे क्यों। हाँ मैं CS2 के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, उनको नींद नहीं आता, वो पूरा 7 आवर्स बिठाती हूँ उनको, 9 से 3:30, 3:30, 4 ऐसे बैठते हैं। द कंपनी एक्सपेक्ट्स एनुअल बोनस 2% है। कैलकुलेट द परसेंटेज टर्मिनल बोनस द कंपनी शुड एक्सपेक्ट टू डिक्लेयर। मतलब टर्मिनल बोनस रेट तो दिया ही नहीं ना इन्होंने, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है फॉर दिस ऑप्शन इन ऑर्डर टू गिव द सेम प्रॉफिट मार्जिन एज द प्रीवियस प्रोडक्ट। अब ये है कितने मार्क्स का, 23 मार्क्स का, एंड ऑलमोस्ट जितने स्टूडेंट्स हैं सब लोग ने इसमें स्ट्रगल किया। क्यों? क्योंकि हमें वो कॉन्सेप्ट नहीं पता कि हम इसे कैसे प्रोसीड करें। प्रीमियम आपके पास आ रहा है, यूनिट फंड का कॉन्सेप्ट हट गया। प्रीमियम जो आ रहा है वो आप क्या कर रहे हो, एक अकाउंट में डाल रहे हो, एंड वो अकाउंट एक तरीके से ग्रो कर रहा है। तो एक टेबल तो एटलीस्ट हम लोग कुछ कुछ बना सकते हैं ना। जैसे हम लोग क्या करेंगे, वी क्रिएट अ न्यू शीट, पॉलिसी, और तो मैं सेम उठा लेती हूँ यहां से। हाँ ठीक है, तो अब अगर मैं बोलू लेट्स टेक अ वैल्यू एट द वैल्यू ऑफ द अकाउंट एट द स्टार्ट, वैल्यू ऑफ अकाउंट एट द स्टार्ट शुरू में, तो ऑब्वियसली ईयर वन के स्टार्ट में वैल्यू जीरो होगा क्योंकि अभी तक प्रीमियम आया नहीं है। फिर जब प्रीमियम आएगा तभी ग्रो करेगा। अब प्रीमियम यू कैन स्ट्रेट अवे लिंक टू, मे बी प्रीमियम इन्होंने दिया है ना अलग से। हाँ इधर दिया है प्रो, तो लेट्स टेक इट फ्रॉम हियर ओनली। ठीक है, एंड ड्रैग ओके, इंटरेस्ट बना लो। अब इंटरेस्ट क्या होगा, कितना होगा, 2% बोला है इन्होंने। हाँ तो रेट ले लो इधर 2%। अब एक बात बताना, मेरा एक अकाउंट है उसमें मैंने 1500 डाला, इस साल 1500 पे 2% मिला, ठीक है 2% मिल गया। अब नेक्स्ट ईयर जो हमारा ऑलरेडी अकाउंट में पैसा है उस पे प्लस जो नया पैसा आ रहा है सब पे तो 2% मिलेगा ना। तो अगर मैं दिस इंटू 2% करूं तो गलत होगा, क्योंकि आप क्या करो, आप बोलो हर साल आपको 1500, 1850, 2000 इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, बट जो ऑलरेडी पैसा अकाउंट में है, फॉर एग्जाम्पल मेरा सैलरी आता है एवरी मंथ 50,000, ठीक है मैं अकाउंट में डालती हूँ, तो पहले का जो सैलरी है उस पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो थोड़ी स्किप हो जाएगा अपना। सो वील टेक अ सम, ठीक है वील टेक अ सम ऑफ दीज टू एंड मल्टीप्लाई इट विद द रेट। व्हाई आई एम टेकिंग दीज टू, बिकॉज देन यू टेक वैल्यू एट दी बोलो एंड। वैल्यू एट द एंड इज, वैल्यू एट द एंड इज सबका सम। बता रही हूं ये समझ में आया, वैल्यू एट द एंड समझ आया, ये समझ आया। अभी तुम्हारे पास पहले साल के एंड में, चलो इसको तुम कर दो दिस इंटू 2%, पहले साल के एंड में तुम्हारे पास कितना आया, कितना है अकाउंट में बैलेंस, कितना है
ये पहले साल के एंड का बैलेंस है। अब नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में तुम्हें कितना मिल गया, कितना मिला मिला वो अकाउंट में गया, तो इस साल के एंड में सेकेंड ईयर के एंड पे तुम्हारे पास बैलेंस कितना बचा, इन दोनों का एड ना, इन दोनों का एड बचा ना, तो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो ठीक है, एक बार खाली लास्ट का वैल्यू चेक करना, तो 8864 2.99। आया सबका सिंपल? अब इसके बाद हम लोग को इसको रिलेट कराना। अब ये देखो, जैसे यूनिट फंड था ना, इंस्टेड ऑफ दैट यूनिट फंड वी हैव दिस। सो जो यूनिट फंड वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर है, वो अपना बेसिकली वैल्यू ऑफ द अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। बाकी जो पूरा नॉन यूनिट फंड का कैलकुलेशन है वो सिमिलर होगा, खाली एक टर्मिनल बोनस वाला चीज अपने कंसिडर करेंगे, बाकी पूरा कैलकुलेशन विल बी एग्जैक्टली सेम। वी शुड हैव आइडियली मेड अ कॉपी पेस्ट ऑफ द शीट, बट नो इश्यूज, चलो वी विल कॉपी पेस्ट दिस। तो थोड़े चेंजेस करने होंगे विच वी विल डू। कॉपी पेस्ट, ठीक है, रेफरल ये सब हम करेंगे अभी, एडजस्ट कॉपी पेस्ट करना चाहिए मुझे शीट, कोई इशू नहीं है। ठीक है, प्रीमियम आपका क्या होगा, ये हो गया आपका प्रीमियम। किस पे बोल रहे हो? इसमें अपना बिड ऑफर स्प्रेड तो आएगा ही नहीं ना, तो अपनी ये हटा देंगे, एंड इसमें इंस्टेड ऑफ दिस वी विल जस्ट राइट प्रीमियम इंस्टेड, क्योंकि ये तो तुम दे रही हो ना, ये तुम्हारा इनकम नहीं है, तो प्रीमियम आया जैसे जैसे है वैसे। ठीक है, कमीशन इज अगेन योर initial commission, this will be this premium, or you can take that also, right? एक बार देख लो फिर करना खुद से। ये अपना सेम है, इंटरेस्ट अपना this minus commission minus expense into, अच्छा interest जो है वो भी अपना same है। ठीक है, non unit fund का जैसे हुआ क्या, इधर
instead of investing policyholders' money premium in units, they invested in an account that is growing with 2%. That's it. That was the only change. थोड़े बहुत और हैं, but that was a major change. तो ये जो हमने यहाँ बनाया ना, that is, इसको आप यहाँ दे सकते हो, AWP fund per policy at the start of the year, वो देना है तो दे देना. So this is nothing but AWP fund. And ये हम लोग करेंगे. Interest तक clear है. There is no management cost, तो वो हम लोग हटा देंगे again. उसके बाद extra expected death cost, यहाँ पे there is no word called extra, यहाँ पे simple you have a death cost, ठीक है. Death cost कैसे निकालेंगे बताना, ये trick है, देख के बताओ. क्वेश्चन में बोला है 1 lakh वाला ऑप्शन विल रिमेन द सेम, ऑल द अदर अजम्पशंस विल रिमेन द सेम, यू कैन नॉट गिव द पॉलिसी होल्डर लेस देन 1 lakh. सो आइदर 1 lakh इज व्हाट यू आर गिविंग, ठीक है, आइदर 1 lakh इज व्हाट यू आर गिविंग, और सुनना ध्यान से, द वैल्यू ऑफ द फंड विच अक्यूमुलेटेड दिस इनटू टर्मिनल बोनस भी देना है. क्या बोल रहे हैं, मरने पे एंड मैच्योरिटी पे we are giving them a terminal bonus. Terminal bonus on what? On the value of the account at that period of time. तो अगर मरेगा तो 1530 into some terminal bonus मिलेगा या 1 lakh whichever higher. ठीक है, तो death cost एक बार देख लो कैसे निकाल रहे हैं. Maximum of either it's 1 lakh or maximum function is करने की minimum. मैक्सिमम ही करेंगे, ठीक है, दिस और वैल्यू ऑफ द जो भी आपका है मल्टीप्लाइड बाय 1 plus. अच्छा, हमने टर्मिनल बोनस का एक अलग से वो बनाया नहीं है सेल, लेट मी कीप इट हियर, मैं इसको बना दूंगी, इस पे मैं टर्मिनल बोनस लिख दूंगी इधर दिस, ठीक है, एंड इसको हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ से, ठीक है. यहां मैंने P3 इसको सिलेक्ट किया था ना, सो टर्मिनल बोनस 80% रख दो एक बार, अच्छा इसको एब्सोल्यूट करना होगा, देख लो, अगर आप कोई और रेट लोगे तो योर आंसर माई डिफर. कर लो यहां तक, Thank you.
क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्या है? सरेंडर. अच्छा, सरेंडर पे हम लोग जब यूनिट कैश फ्लोज यूज करते हैं तो हम लोग खाली एक्स्ट्रा वाला चीज कंसिडर करते हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी ले चुके होते हो बाकी चीजें. तो यहाँ पे तो हमने कुछ कंसिडर नहीं किया. दिस इज जस्ट लाइक, दिस इज एक्चुअली नॉट अ नॉन यूनिट फंड कैश फ्लो, दिस इज लाइक अ प्रॉफिट टेस्टिंग टेबल ओनली. क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो आपने कुछ यूनिट्स वैसा बनाया नहीं है. सो इट्स लाइक अ प्रॉफिट टेस्ट टेबल ओनली, अ प्रॉफिट टेस्ट कैश फ्लोज लिख दो, दैट इज व्हाट इट इज. तो यहाँ आपको, जैसे आपने डेट कॉस्ट लिया, आपने एक्स्ट्रा डेट कॉस्ट नहीं लिया, क्योंकि देयर इज नो नथिंग लाइक एक्स्ट्रा ना. जो आपका ये आ रहा है, आप अपने तरफ से ही करो. हो क्या रहे, समझो बैक एंड पूरा एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि आपको ये हेल्प होगा इन योर इंटरव्यूज एज वेल. यूनिट फंड में क्या होता है कि सपोज ये पॉलिसी होल्डर है, आई एम द कंपनी, ये आके अपना मेरे को प्रीमियम दे रही है. इसको दिख रहा है मैं इसका प्रीमियम एक फंड में डाल रही हूँ या किसी में भी डाल रही हूँ, इसको दिख रहा है कि मेरे इतने यूनिट्स परचेज हो रहे हैं, मेरे यूनिट्स इतने अमाउंट से ग्रो कर रहे हैं. यूनिट ग्रोथ रेट जो होता है, ये मेरा बिड ऑफर स्प्रेड है कि कट बाइंग सेलिंग कॉस्ट होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10,000 इन्वेस्ट कर रही हूँ एक म्यूचुअल फंड में, तो जब मैं 10,000 रुपीज डालती हूँ, उस समय अगर म्यूचुअल फंड का वैल्यू चल रहा है, जो भी आपका वैल्यू है, दैट वैल्यू डिवाइडेड बाय एक यूनिट का जो भी वैल्यू चल रहा है, एक यूनिट का लेट्स सपोज 10 रुपीज चल रहे हैं, तो मैंने जब 10,000 रुपीज डाला तो उससे कितने यूनिट्स परचेज होंगे? 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स परचेज हुए, तो मुझे 1,000 यूनिट्स मिलने चाहिए. बट यहाँ तो कोई कॉस्ट कटा ही नहीं. प्लेटफॉर्म कॉस्ट होता है, बाइंग सेलिंग कॉस्ट होता है, बहुत कुछ होता है. जब आप मार्केट में जाके खरीदोगे सेम शेयर्स, तो आपका ब्रोकरेज लगेगा, बहुत सारी चीजें. तो एक बिड ऑफर स्प्रेड, बाइंग सेलिंग जो स्प्रेड होता है वो कट होता है. तो जब मैंने 10,000 रुपीज डाला, मे बी उसमें सिर्फ 10% बिड ऑफर स्प्रेड कट गया, तो कितना बचा? 9,000 बचा. अब जो 9,000 बचा, वो आप उससे यूनिट्स खरीदोगे, एक यूनिट का वैल्यू है 10 रुपीज, तो 9,000 डिवाइडेड बाय 10 कितने यूनिट्स मिले? 900. ठीक है, अभी 900 यूनिट्स ग्रो कर रहे हैं, तो आपका यूनिट फंड बन रहा है. दैट शी कैन सी क्लियरली, इट्स विजिबल टू हर. हाँ, हमने एएमसी भी डिडक्ट करा, ऑल दोज एक्सपेंसेस जो भी, उसको फाइनल वो वाला, ये वाला टेबल उसको दिख रहा है कि भाई ये मेरा पूरा टेबल है, ये मेरे यूनिट के वैल्यूज है. अब मैंने इसे बोला कि देखो, जो भी तुम्हारा यूनिट का वैल्यू है इट्स फाइन, बट तुम्हें एक मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट 1 लाख का मैं पे करूंगी. अब 1 लाख के नीचे अगर यूनिट फंड है, तो मेरे तरफ से कंपनी का कॉस्ट है. अगर उसके ऊपर गया तो कंपनी का कोई कॉस्ट नहीं है, इसीलिए एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेड डेथ कॉस्ट लेते हैं. सरेंडर पे अगर मैं इसे कुछ एडिशनल, जैसे मैं बोल रही हूँ कि सरेंडर अगर तुम करोगी तो ये जितना अक्यूमुलेट है ये तुमको मिल जाएगा, 61,000 तुमको मिल जाएगा. कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, कुछ कम नहीं मिलेगा.
तो ना ही बेनिफिट ना ही कॉस्ट। मैं बोलूं कि जितना यूनिट, ध्यान से सुनना, जितना यूनिट फंड कलेक्ट हुआ है आपको, जब आप सरेंडर करोगे इसका खाली 95% मिलेगा, तो बाकी 5% कहाँ जाएगा? वो मेरा बेनिफिट, तो वो अपने यहाँ पे क्या बनाते हैं, सरेंडर बेनिफिट। जैसे कॉस्ट डिडक्ट होता है, बेनिफिट ऐड होता, विच इज 5% ऑफ दिस गिवन, वो सरेंडर करे, गॉट इट? सरेंडर बेनिफिट कैसे निकलता है? गॉट इट? बोलो। हाँ, नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है बोल। नहीं क्लियर? नहीं समझ आया? नहीं किया प्रॉफिट टेस्टिंग? तुम किया ही नहीं ना प्रॉफिट टेस्टिंग? तुम लोग, बाकी लोग जिन लोग किया है उन लोग को याद है, समझ में आया? सरेंडर बेनिफिट विजुअलाइज करना है। जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे, एक्सेल नहीं कर पाओगे, इंटरव्यूअर को नहीं समझा पाओगे, जॉब नहीं मिलेगा। क्लियर? तो सरेंडर बेनिफिट वैसे हो गया। कॉस्ट क्या होता है? मैं बोलती चलो तुम सरेंडर करोगी, तुम्हें मैं इतना मिनिमम दूंगी। अगेन वही डेट वाला चक्कर, सेम तरीके से। अब इस केस में क्या है, इस केस में ये मेरे को प्रीमियम तो दे रही है, बट इसको कुछ विजिबल नहीं है। मैं जो तुम लोगों का सबका प्रीमियम ले रही हूँ, मैं एक अकाउंट में डाल रही हूँ, उस अकाउंट में मुझे 2% मिल रहा है। अब उस अकाउंट में पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, वो मैं पैसा तुम्हें स्ट्रेट अवे दे रही हूँ। बस हाँ, वो 1 लाख वाला चीज है, तुम क्यों सहोगे लॉस? मेरा मेरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चेंज हुआ है। पहले आई वाज इन्वेस्टिंग इन यूनिट्स, मतलब म्यूचुअल फंड या व्हाटएवर, नाउ आई एम स्ट्रेट अवे इन्वेस्टिंग इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जहां मुझे 2% फिक्स्ड रेट मिल रहा है। तो तुम क्यों सफर करोगे? पॉलिसी होल्डर तो नहीं सफर करेगा, कंपनी के ऊपर है। तो कंपनी बोला ठीक है, मैं अपना ये इन्वेस्ट कर रही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, मेरे बैक एंड पे सब चल रहा है। तो डेथ कॉस्ट कितना होना चाहिए मेरा? मेरा डेथ कॉस्ट क्या होगा? या तो 1 लाख, या तो मेरा दिस अमाउंट का 100 एंड जो भी इसका हमारा मैक्सिमम आया। क्यों? क्योंकि अगर 1 लाख से ज्यादा अक्यूमुलेट हुआ बट मैंने उसे कम पे किया तो गलत है। उसको तो पता है ना 2% मिल रहा है, उसको पता है ये चीज। तो मैक्सिमम ऑफ दैट इनटू योर जो भी आपका मरने का रेट है, प्रोबेबिलिटी है। तो डेथ कॉस्ट अगर आपने निकाला है, तो सिमिलरली आप निकालोगे सरेंडर कॉस्ट। इट्स सिमिलर टू व्हाट यू हैव डन उसमें। यहाँ पे आपको बेसिकली डेथ कॉस्ट में ये तुम्हारा अक्यूमुलेट हो रहा है, डेथ में टर्मिनल बोनस मिल रहा है, तो दिस इनटू टर्मिनल बोनस मिलेगा या 1 लाख मिलेगा, विच एवर इज हायर। तुम क्यों सफर करोगी? मैंने तो तुमको बोला है ना कि 2% तुमको मिनिमम रिटर्न मिलेगा, तो अगर वो ज्यादा हो जाते हैं 1 लाख से, तो तुमको उतना मिलना चाहिए, तुम क्यों सफर करोगी? क्लियर है? देख लो एक बार। पता नहीं क्यों मेरा डेथ कॉस्ट अलग आ रहा है। तुम लोग का सेम आ रहा है क्या? अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, मैंने 80% किया ना इसके लिए। ओके, 80% किया तो सेम आएगा। नेक्स्ट आपका सर अलग आ रहा है? नहीं, सेम आना चाहिए। देखो एक बार फॉर्मूला। स्टार्टिंग का सेम है। ये देखो ये वाला, नहीं तब तो सेम आना चाहिए फिर। AQX DX, AQD, AQD, हाँ मल्टीप्लाई तुम लोग का यहाँ कुछ गलत है।
एक बार देख लो सरेंडर, मैं देख लूंगी आके तुम लोग का सरेंडर क्लेम क्या होगा. सरेंडर इज जो भी हमारा अक्यूमुलेशन है ये वाला इनटू आपका सरेंडर का प्रोबेबिलिटी विच इज AQX S. ये हो गया आपका सरेंडर कॉस्ट. ठीक है, सरेंडर कॉस्ट. सरेंडर कॉस्ट के बाद क्लेम एक्सपेंस, क्लेम कॉस्ट. क्लेम कॉस्ट क्या है? जो भी आपका क्लेम एक्सपेंस है विच इज 50 इंटू 1 माइनस जीने का प्रोबेबिलिटी, तो ये एज इट इज रहेगा. एक सेकेंड इसमें. हाँ बोलो. हाँ एक्सपेक्टेड वर्ड तो यूज करोगी, बट इसमें एक चीज है. ये वाला APX यूज करना है. वो एक्चुअली कॉपी पेस्ट के चक्कर में ना फॉर्मूलाज चेंज हो गए हैं, तो ध्यान रखना. ठीक है, क्लेम कॉस्ट हो गया. प्रॉफिट वेक्टर इज, एक सेकेंड, दिस प्लस कुछ नहीं है आपका, माइनस जे माइनस 250 प्लस एल. माइनस डेट कॉस्ट एक यहाँ पे, खाली क्लेम एक्सपेंस में एक चीज चेंज कर देना, ये वाला आपका 50 हो जाएगा. एक चीज और जो हम लोग मिस आउट करें कोई बता सकते हैं? हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर मैच्योर होगा, मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? टर्मिनल बोनस भी तो मिलेगा ना, तो वो तो हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है ना, तो उसका भी एक कॉलम बना लेते हैं. चलो मैच्योरिटी मैच्योरिटी कॉस्ट क्या होगा बोलो, जो भी आपका ये अमाउंट है मल्टीप्लाइड बाय ए जीने का, क्या जीने का, ये वाला उस साल प्रोबेबिलिटी जीने का कर दें क्या? तो अपने करेंगे खाली उस साल जीने का कर दो ना. ये क्या हो गया? इंटू टर्मिनल बोनस इंटू उस साल जीने का विच इज AP. दिस
ठीक है, तो प्रॉफिट फैक्टर में मेक श्योर यू टेक दैट आल्सो इनटू अकाउंट, माइनस ऑफ मैच्योरिटी कॉस्ट. यहां तक करो. प्रॉफिट सिग्नेचर विल बी दिस इनटू, खाली चेक कर लेना कि ये चेंज हो गया होगा. इसको सेम करना है बाय चेंजिंग द टर्मिनल बोनस. करो पहले, यहां तक करो. मैं आपका शायद वो कॉपी पेस्ट कर दो, इससे इंग्लिश में बोल दो. क्या बोल रहे थे? क्यों क्यों
21 का पर कल जा रहा है वो कल ही पूरा मतलब अब आशा पर बात नहीं बात है इसका तो पेपर हम दोबारा से करा देगा 2019 से 2023। हाँ बोलो इन लोगों सब कुछ सब हाँ पड़ेगा दो एम बनाएंगे बोलो प्रॉफिटेंसी नहीं आती है लो कुछ आगे प्रॉफिट दो हजार 2019 से 2023 पूरा हम कराएंगे नया वाला रूम में बोलो करेगा देखियो तेरी बात में मुझे जब देखियो उसमें ऐसी रोबोट ऐसी ये गलत है गलत है संडे आ जाओ सुबह 8 बजे सर मार्च मार्च आप ऑन संडे संडे कितना तारीख है 26 26 तारीख को आ जाओ सुबह 8 बजे रात 8 बजे तक करेंगे नहीं होगा बंद इरिटेट मत करो मेरे को जो जो है सब करा दूंगी 2019 से लेके 2023 पेपर है संडे 8 बजे आ जाए ठीक है और पढ़ के आता क्या हुआ Sad life. Can't sorry. हम बोले चलो हो गया यहाँ तक आया सबका अब इसको करें तुम्हारा आया आदित्य कहाँ तुम क्या क्या करते हैं अपना जीवन में ये बताओ कॉलेज जाते हैं और एडिशनल घर का कोई काम ऑफिस का कोई काम कॉलेज का कोई काम कोई और पेपर तो वो भी तुम्हारे ऐसे ही चल रहा है क्यों नहीं हुआ बॉन्ड्स क्यों बाकी है कब खत्म हुआ था क्लास में 10 days 15 days पहले अभी तक कैसे नहीं हुआ क्या कर रही थी घर पे नहीं मतलब पढ़ाई के अलावा क्या करती हो और वो भी तो नहीं कर पा रही हो तुम वो भी तो नहीं कर पा रही हो और तुम दोनों बैठ गए साथ में गलत संगति मैं सामने भी दोनों गलत संगति इन लोग दोनों और तुम लोग दोनों पीछे का सब चलो इसको करो गोल सीख आयश डेटा व्हाट इफ गोल सीख इसको कितना करना है 2.46 बाय चेंजिंग परसेंट नहीं लिख के 0.0246 भी लिख सकते हो तुम लोग आई थिंक सही रहेगा बाय चेंजिंग टू पॉइंट फोर फाइव आ रहा है तो ठीक है मतलब आई थिंक गलत है वैसे तो मैंने 4.5 कर दिया था क्या ठीक है इसको चेंज कर दो ना इसको फिर से कर दो 3 decimals तक ले लो फाइव एट है
टू बी प्रेसाइज, तो इसको वही कर दो। आ गया सबको समझ में? ईडब्ल्यूपी क्लियर? जैसे आपने यूनिट फंड किया सेम है, खाली वो यूनिट फंड नहीं बनेगा, उसके बदले आप बनाओगे अकाउंट्स। जैसे आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा डेथ कॉस्ट, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो लिखा है, उसके बदले आपको सिंपली डेथ कॉस्ट, मेच्योरिटी कॉस्ट, सिंपली वो सब आपको यूज करके लिखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जो है वो पूरा पे होगा, या मिनिमम 1 लाख, मतलब मिनिमम 1 लाख या ये जो भी ज्यादा है वो आपका पे होगा। ठीक है, सरेंडर कॉस्ट जितना भी अक्यूमुलेट हुआ है वो पूरा पे होगा, मेच्योरिटी कॉस्ट जो भी अक्यूमुलेट हुआ है उसका 1+ टर्मिनल बोनस, क्लेम कॉस्ट 50 रुपीज पूरा पे होगा। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? बस इसको तुमको गोल सीख करना है, चेंजिंग टू नहीं होगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आई ना आना नहीं चाहिए। 4-4-5 हो जा रहा है एक्चुअली, परसेंटेज में उसको चेंज, परसेंटेज के फॉर्म में लिख के देख लो एक बार, बट ये आंसर सही आ रहे हैं, 111% सही आ रहे हैं, सो इट्स फाइन, यू कैन लीव इट। बस तुम लोग अभी यहाँ पे क्या लिखोगे, यूजिंग गोल सीख, एंड गोल सीख दिखा देना कैसे, सेट सेल दिस टू वैल्यू दिस एंड बाय चेंजिंग टर्मिनल बोनस। क्लियर है? ठीक है, कोई डाउट? चलो लेट्स डू इट टिल हियर, थैंक यू, वी मीट टुमारो, कंटिन्यू विद सितंबर 2019।